कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान किसी भी ऊंचाइयों को छू सकता है। कुछ ऐसा ही कर रही है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीरादे के बंधु श्रीराम गांव की प्रियांशु। 11 साल की प्रियांशु एक पैर से चलती है, लेकिन उसके हौसले इतने मजबूत हैं कि रोज वो 2 किलोमीटर चलकर स्कूल पढ़ने जाती है। यही नहीं, प्रियांशु का कहना है कि अगर मुझे कृत्रिम अंग मिल जाए तो मैं चल भी सकती हूँ और मैं डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। हम ऐसे ही दिव्यांग हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम अपना घोंसला बढ़ाना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, 2 किलोमीटर दौड़ दौड़ कर पढ़ने जाते हैं। हम ये सरकार से चाहते हैं कि मेरे पैर बनवा दे, मेरे घोंसले बढ़ा दे, यही कहते हैं। पिताजी आपके क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। 2 किलोमीटर दूर आप कैसे जाती हैं? दौड़ दौड़ कर, कुदुक कुदुक कर। हाँ। और जो आपके ये पैर कैसे हैं, कब से हैं? बचपन से ही ऐसे। हाँ। आगे क्या चाहती हैं आप पढ़ लिख कर, क्या बनना? डॉक्टर। ऐसा कभी आपको नहीं लगता कि आपके पैर नहीं है फिर भी आप स्कूल जाती हैं? हाँ, स्कूल चले जाते हैं, कुदुक कुदुक कर चले जाते हैं। तो हौसला मजबूत है आपका? हाँ, हौसला मजबूत है। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास। हाँ। प्रियांशु का जन्म से ही एक ही पैर है। प्रियांशु को फिल्म अभिनेता और जरूरतमंदों के मसीहा सोनू सूद से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। गांव के लोग भी चाहते हैं कि कोई मसीहा बनकर आए और प्रियांशु की मदद करे ताकि वो डॉक्टर बन सके। प्रियांशु के सपने तो उड़ान भरने के हैं, लेकिन घर से इतनी कमजोर है कि अभी तक सफलता की उड़ान नहीं कर पा रही है। पिता बाहर रहकर कमाते हैं, घर की रोजी रोटी चलाते हैं, वहीं माँ गांव में बूढ़ी दादी के साथ रहती है। इन लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब प्रियांशु को वो एक पैर से स्कूल जाते देखते हैं। अब तो उनका मानना है कि उनकी बेटी का मालिक ईश्वर ही है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी प्रियांशु बचपन से ही दिव्यांग है, उसके बाद भी उसके हौसले बुलंद है, 2 किलोमीटर स्कूल जाती है पैदल? जी सर, ये मैं कहना चाहती हूँ कि उसका पैदाइशी उसका पैर यही है और वो प्रियांशु कुमारी को पढ़ाना मैं चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। उसका भी चाहत है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊँ और 2 किलो पैदल पढ़ने जाती है। एक आखिर उसका एक पैर दिव्यांग है तो फिर कैसे स्कूल जाती है? एक पैर पर कुदू कुदू कर जाती है स्कूल। जी, पढ़ने में कैसी है बचपन से ही पढ़ने में? पहले तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, ये फरवरी से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है। उसका तेज करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं पढ़ाई, इसके लिए सरकार हम लोग सोच रहे हैं कुछ मदद करे। इनके पिताजी क्या करते हैं? इसका पिताजी मजदूरी कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी बेटी दिव्यांग होने के बाद भी इतना मेहनत करती है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, आपको उम्मीद है? जी, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि पढ़ लिख कर बन जाए, अब ऊपर वाला का मर्जी है। हौसले बुलंद एक पैर होने के बाद भी? जी। सरकार से क्या मांग करती हैं आप? उसका कुछ कर सके, उसका कुछ बना सके, वो भी सोचे कि बच्ची के क्या करना चाहिए। मैं यही सरकार से कहना चाहती हूँ उसका पैर ठीक करा दे, उसका पैर लग जाए तो। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई प्रियांशु की मदद करेगा, क्या उसके सपने पूरे होंगे और अगर ये सब कुछ होता है तो कब तक? ये थी सिवान से चंदन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।